much out to all of you. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन रियल होम मेकिंग चैनल। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे, बहुत खुश होंगे और इस फेस्टिव सीजन को एंजॉय कर रहे होंगे। आज वो दिन है जिसका हम लेडीज को पूरे साल इंतजार रहता है। आज करवा चौथ है, अभी मॉर्निंग का टाइम है, सो हैप्पी करवा चौथ टू ऑल द ब्यूटीफुल लेडीज आउट देयर जिन्होंने आज फास्ट रखा है। और इंडिया वाली लेडीज तो फास्ट खोलकर सो गई होंगी, तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई। और मॉर्निंग का टाइम है तो मैंने ये सिंपल सा लुक क्रिएट किया है, ऑरेंज कलर का सूट पहना है जो मेरी फ्रेंड ने मुझे गिफ्ट किया था। उसके साथ मैंने पहने ये टैसल इयररिंग्स रेड कलर के, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा था तो मैंने सोचा चलो पहन लेते हैं। बहुत ही बेसिक सिंपल सा लुक है। मैं साड़ी पहनती हूँ इवनिंग में जब हम लोग पूजा वगैरह करते हैं, बिकॉज साड़ी थोड़ी सी हैवी होती है और हम लोगों को इतनी आदत नहीं है। बताइएगा कैसा रहा आप लोगों का करवा चौथ। काफ़ी वाइब्रेंट ऑरेंज कलर है, परफेक्ट फॉर करवा चौथ। अभी मैं गोविंद को लंच करा रही हूँ और गोविंद ही बताएगा कि आज मम्मा ने उसके लिए क्या बनाया है। बताओ गोविंद। लिटिल पोटा। गोविंद थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है बिकॉज उसका मन अभी थोड़ा सा कम लग रहा है। यहाँ पे लोग उसको नहीं दिखाई दे रहे, शोर शराबा नहीं है, इसीलिए थोड़ा सा क्रैंकी हो रहा है। अपनी नानी नाना के घर को बहुत मिस कर रहा है, स्पेशली अपने भाई को मिस कर रहा है आदू को, तो थोड़ा सा नाराज हो जाता है। इसीलिए मैंने सोचा चलो उसको ट्रीट देते हैं, लेटर पास्ता उसके लिए बनाया है। अभी मैं अपनी एक फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, आने के बाद मैं उससे मिल नहीं पाई थी। और इंडिया से जो मैं थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेकर आई हूँ जो मम्मी ने दिया है मुझे, वो सबको दूंगी जिससे सबको थोड़ी होमली वाली फीलिंग आए। और मैं अपने सब फ्रेंड्स के लिए ये फ्लोरल कड़े लेकर आई हूँ, सेम कड़े मैं सबके लिए लेकर आई हूँ। ऐसी चीज़ें ना यहाँ पे नहीं मिलती, तो इंडिया से कोई आता है और इस तरीके के छोटे छोटे गिफ्ट्स कोई लेकर आता है ना तो अच्छा लगता है, अपनापन लगता है। तो मैंने सोचा कि चलो मैं अपने फ्रेंड्स के लिए ज़रूर कुछ कुछ थोड़ा थोड़ा सामान लेकर जाऊँगी। करवा चौथ का बेस्ट पार्ट ये होता है कि हम लेडीज को खूब सजने का मौका मिलता है, तो पूरा दिन आप खूब सारा सजो धजो तैयार हो जिससे आपको लगेगा ही नहीं कि आपने फास्ट रखा है, बिकॉज आप एंगेज रहोगे तो आपको याद ही नहीं आएगी खाना खाने की ना पानी पीने की। और इसी तरीके से हंसते खेलते शाम हो जाएगी, चांद बाबा आ जाएंगे और आपका व्रत पूरा हो जाएगा। तो बस अभी मैं तैयारी होने जा रही थी क्योंकि अंशुल भी आ जाएंगे अभी एक घंटे बाद घर पे, और उसके बाद फिर हम लोग मिलके मेरी फ्रेंड के घर जाएंगे और हम सब साथ में बैठ के पूजा करेंगे। और सुना है शिकागो में मंदिरों में भी बहुत अच्छे से करवा चौथ मनाया जाता है, पंडित जी सारे रिचुअल्स कराते हैं, तो आई एम सुपर डुपर एक्साइटेड बिकॉज मैं वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस करूंगी। इस तरीके की करवा चौथ पूजा मैंने कभी भी नहीं करी है, तो आज मैं एक्साइटेड हूँ वो सब भी एक्सपीरियंस करने के लिए। बट बाहर थोड़ी सी ठंड है, घर में ही खाली सूट में ठंड लग रही है, बाहर तो डेफिनेटली साड़ी के ऊपर जैकेट पहन के जाना पड़ेगा। बट एनीवेज एक नया एक्सपीरियंस मिलेगा, फर्स्ट टाइम होगा कि हम मंदिर में जाके इस तरीके से करवा चौथ सेलिब्रेट करेंगे। और आज मैंने कुछ कुक भी नहीं किया है क्योंकि अंशुल बोले कि हम लोग साथ में मिलके कुक करेंगे, दोनों ने ही फास्ट रखा है। वैसे तो ज़्यादा कुकिंग नहीं करनी क्योंकि मेरी फ्रेंड के घर जाएंगे हम लोग डिनर करने भी, तो कुछ चीज़ें मेरी फ्रेंड बनाएगी कुछ चीज़ें हम लोग बनाएंगे, तो कुकिंग भी डिवाइड हो गई। और मिल बांट के इस तरीके से फेस्टिवल मनाने का तो बहुत मज़ा आता है, तो बस चलो तैयार होना शुरू करते हैं। मैं बहुत ज़्यादा मेकअप नहीं कर रही आज क्योंकि ऑलरेडी ना मौसम चेंज की वजह से ना मेरे स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील कर रही है, तो बस मैंने थोड़ा सा प्राइमर लगाया है और प्राइमर के ऊपर ये सेटिंग पाउडर लगा रही हूँ थोड़ा सा मैट फिनिश देने के लिए। बहुत ज़्यादा पाउडर भी नहीं लगाऊंगी अदरवाइज और ज़्यादा ड्राई लगेगी मेरी स्किन। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We're meant to be in the great outdoors, forever free.
बस मैं रेडी हो गई हूँ, अभी अंशुल भी रेडी हो रहे हैं। और आज मैंने पहली बार जूड़ा बनाया है, गजरा लगाया है, काफी अच्छे से मैं ड्रेसअप हुई हूँ। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मैं कैसी लग रही हूँ। तो मैं तैयार होकर आ गई हूँ अपनी फ्रेंड के घर। हम लोग साथ में मिलके पूजा करने वाले हैं, तो सोचा एक बार आपको फुल ड्रेस लुक अपना दिखाती हूँ। और ये ड्रेस मेरी फ्रेंड ने भी बहुत ब्यूटीफुल पहनी हुई थी। इसने ये शिकागो डेवन स्ट्रीट से ड्रेस ली है, बहुत ही प्रिटी लग रही थी उसकी ड्रेस भी। और बस अभी हम लोग पूजा की तैयारी स्टार्ट कर रहे हैं। तो पूजा स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी प्लेट को, करवे को और बायने की कटोरी को अच्छे से रोली लगा लूँगी। और करवे पे मैंने अपना मोली भी बांध ली है। तो बस अभी हम लोग कथा सुन रहे हैं, और कथा इस बार मेरी फ्रेंड के हस्बैंड ने पढ़ी थी। और हम लोग चारों बैठ के साथ में ही पूजा कर रहे हैं, और दोनों बच्चे अंदर मिलके खेल रहे हैं, तो कोई डिस्टरबेंस भी नहीं हो रही है पूजा में। तो अभी हम लोग आए हैं मंदिर में पूजा करने, और स्वेटर पहन के आए हैं क्योंकि ठंड हो रही है। और अंशुल नहीं आए क्योंकि गोविंदा बहुत क्रैंकी हो रहा था, क्योंकि उसे जेट लैग है तो वो सोने के लिए कर रहा था। तो अंशुल अभी गोविंद को घर पे रख रहे हैं, और मैं अपनी फ्रेंड के साथ और उसकी फैमिली के साथ आई हूँ। ये मेरी फ्रेंड है, हेलो बोल दो। ये मेरी लखनऊ की फ्रेंड है मेधा। मेधा हेलो फ्रेंड। मेधा कैसे लगते हैं तुम्हें मेरे व्लॉग्स? बहुत अच्छे। मेधा को जब मैंने बताया था कि मैं ऐसे YouTube पे वीडियोस बनाती हूँ, तो कुछ दिन बाद मुझे इनके हस्बैंड मिले। भैया ने मुझे बताया कि अब मेधा बहुत बड़ी फैन हो गई है और वो सारे वीडियोस देखती है। एंड ये मेधा का बेटा है, क्यूट सा, गोविंद का फ्रेंड। तो अभी हमारी मंदिर में भी पूजा स्टार्ट हो रही है, और पंडित जी अभी संकल्प दिला रहे हैं हमें व्रत का। भगवती का ध्यान कीजिएगा। ले वीरो कुड़िए करवाड़ा, ले सर्व सुहागन करवाड़ा, ओ सुतड़ा जगावी ना रोटड़ा, मनावी ना वाल पैर पावी ना, ले बहन प्यारी वीरा चन चढ़े ते पानी पीवा, ले वीरो कुड़िए करवाड़ा, ले सर्व सुहागन करवाड़ा, ओ सुतड़ा जगावी ना रोटड़ा, मनावी नाल बहन प्यारी वीरा, ले वीरो कुड़िए करवड़ा, ले सर्व सुहागन करवड़ा, ओ सुतड़ा जगावी ना रोटड़ा, मनावी ना बाल पैर पाई ना, घूम चकड़ा फेरी नाल बहन प्यारी वीरा, चन चढ़े ते पानी पीवा, वीरो कुड़िए करवड़ा। अभी थोड़ी देर पहले ही बस मैं पूजा करके वापस लौटी हूँ, और आते ही हम लोग कुकिंग में लग गए थे क्योंकि लेट हो गया था। आई थिंक 7:40 के अराउंड में आई हूँ, और फिर लग रहा था बस एक घंटा बचा है चांद बाबा के आने में। तो मैंने और अंशुल ने मिलके फटाफट से जो हमारा पार्ट था कुकिंग का वो कंप्लीट किया है। और आज तो शाम वाली जो कथा के बाद चाय होती है वो भी हमारी मिस हो गई है, तो अभी हमने चाय बनाई है, बैठ के हम लोग साथ में पियेंगे। गोविंद अभी सो रहा है, और चांद आ गया क्या? अभी तो चांद नहीं दिख रहा है, तो देखते हैं कब तक आता है। अभी 8:40 शायद हो चुका है, 8:40 हो गया ना टाइम, 8:50 हो गया है, तो अभी तक चांद बाबा नहीं आए हैं। तो बैठ के हम लोग चाय पियेंगे, फिर चांद बाबा जब आ जाएंगे तो पूजा करेंगे, देखते हैं क्या होता है। और आज मैं कोई रेसिपी इसलिए नहीं शेयर कर पाई क्योंकि बहुत जल्दी में मैंने कुकिंग की है। मैंने शाही पनीर बनाई है और शाही पुलाव बनाया है, बाकी की कुकिंग मेरी फ्रेंड कर रही है, पूरी और एक और शायद सब्ज़ी वो बना रही है। तो इसीलिए कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर पाई। थोड़ा सा टायरिंग भी लग रहा है क्योंकि अभी मैं एक दिन पहले ही इंडिया से ट्रैवल करके आई हूँ,
तो जेट लैग की वजह से भी बहुत ज़्यादा टायरिंग लग रहा है। वैसे अब लग रहा है कि मैं सो जाऊं। कुछ खाने का भूख नहीं लग रही है मुझे बिल्कुल भी, ना प्यास लग रही है, बट ओवरऑल बॉडी बहुत टायर्ड फील कर रही है। बट चलो कोई बात नहीं, अब तो थोड़ी सी देरी रह गई है, पूरा दिन निकल गया है। और ये ड्रेस लुक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आज मंदिर जाके जो पूजा की ना, उसमें एकदम कंप्लीट वाली फीलिंग आई, बहुत अच्छा लगा पूजा करके। तो देखिए कुछ ही देर बाद चांद बाबा भी आ गए थे। बहुत ही अच्छे दर्शन दिए चांद बाबा ने, और चांद बाबा को अर्घ दे के पूजा करूँगी और उसके बाद हस्बैंड की पूजा करके इस व्रत को संपन्न करूँगी। उम्मीद करती हूँ आप लोगों ने भी इसी तरीके से व्रत किया होगा और बहुत इंजॉय किया होगा अपना दिन। मेरी तो यही दुआ रहेगी भगवान से कि सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, किसी के ऊपर कोई गम ना डाले, और हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बहुत अच्छे से बनाए रखे सभी का, और सब लोग अच्छे से खाएं, अच्छे से रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें, और भगवान सबको अपने पार्ट की खुशियाँ बांटता रहे। पूजा करने के बाद मैंने अपना ड्रेस चेंज कर लिया है क्योंकि साड़ी बहुत हैवी थी और उसमें तो खाना खाना वॉज लाइक इम्पॉसिबल। तो मैंने सोचा थोड़ा सा लाइट सा सूट पहन लेती हूँ, तो मैंने ये गर्म सूट पहना है और अभी मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड के घर पे। डिनर हम लोग साथ में करेंगे, तो दिखाती हूँ कि डिनर में क्या क्या बना है आज। मेरी फ्रेंड के यहाँ पे चावल का फरा बनाया जाता है फास्ट खोलने के लिए, तो उसने ये फरा बनाया है, और शाही पनीर, पुलाव, पूरी, आलू की सब्ज़ी, खीर, बहुत सारा खाना बना था और बहुत ही टेस्टी खाना था। तो बस दिन भर के फास्ट के बाद अभी हम लोग मिल बैठ के साथ में डिनर करेंगे और अपना फास्ट खोलेंगे। और त्योहारों का मज़ा ही तब आता है जब आप साथ में बहुत सारे लोग मिल के त्यौहार मनाएं, साथ में खाना खाएं, खूब इंजॉय करें, मिठाइयाँ खाएं। बट फॉरेन लैंड पे बहुत सबके साथ आप नहीं मना पाते हो अगर आपके अच्छे फ्रेंड्स नहीं हैं तो। बट आई एम लकी इन दैट केस, शिकागो आने के बाद मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स बन गए हैं और काइंड ऑफ फैमिली रिलेशन बन गया है, तो अच्छा लगता है सबके साथ त्यौहार मनाने में। और ये देखिए हमारे बच्चे भी थके हुए बैठे हैं, बस अभी हम इन्हें भी डिनर कराएंगे साथ में ही। सो दिस इज हाउ वी सेलिब्रेटेड आर करवा चौथ, एंड हमने बहुत इंजॉय किया पूरा दिन। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों का करवा चौथ कैसा गया, और पॉसिबल हो तो अपनी प्यारी प्यारी पिक्चर्स ज़रूर मेरे साथ शेयर करिएगा। मुझे बहुत शौक है आप सबको जानने का, आप सब लोगों को देखने का, बिकॉज आप लोग तो मुझे देख लेते हो वीडियोस के थ्रू, बट मैं भी आप लोगों के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। इसीलिए पॉसिबल हो तो अपनी प्यारी प्यारी फ़ोटोज़ मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, एंड मैं भी एक रियल वर्ल्ड में आप लोगों को पहचानूंगी, जानूंगी, जो मेरे को रेगुलरली वॉच करते हैं। आपके नाम से मैं आप लोगों को पहचानती हूँ, बट एक यू नो पिक्चर अगर मेरे को दिखेगी तो मैं पहचान जाऊंगी कि यस ये है, ये है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो पॉसिबल हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर आपको ये छोटा सा प्यारा सा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, और चैनल का सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा अगर मुझे आप पहली बार देख रहे हैं तो। और इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिएगा मेरे डेली अपडेट्स के लिए, उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फिर से मिलेंगे एक और नए ब्लॉग में, तब तक के लिए आप ढेर सारा अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और इस फेस्टिव सीजन का मज़ा लेते रहिए। बाय बाय। I'm just sitting